प्रेजेंट टीचर। हेलो चैंपियंस, आज हम लोग क्लास टू में पार्ट पांच दोस्त की मदद की कहानी का अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? खोल जैसा सख्त। अब बच्चों, उस कहानी में क्या था? उस कहानी में दिया हुआ था कि कछुआ को जब तेंदुआ पकड़ लेता है और उसे पेड़ के नीचे ले जाता है तो वह क्या करता है? उसे खाने की कोशिश करता है। किसको? कछुए को खाने की कोशिश करता है। इसलिए वह क्या करता है? उसे नाखून से दबाने की कोशिश करता है, दांत से काटने की कोशिश करता है। लेकिन कछुए का जो ऊपर का भाग होता है वह बहुत सख्त होता है, बहुत कठोर होता है। उसको हम लोग आसानी से नोच नहीं सकते हैं या उसे काट नहीं सकते हैं। यहाँ पर उसी के अनुसार यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। बताओ, कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती है? अब बताना है कि कछुए के खोल जैसा सख्त और क्या चीजें हो सकती है। सोचो और मुझे बताओ। सोचो क्या हो सकती है। चलो मैं क्लू दे देती हूं। नारियल। और दूसरा बताना है, सोचो दूसरा क्या हो सकता है। दूसरा अखरोट। उसका भी बाहरी कवच क्या होता है? बाहरी जो खोल होती है या कवच होती है वह बहुत कठोर होती है। उसे आसानी से हम लोग नहीं तोड़ सकते या दांत से हम लोग नहीं काट सकते। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। क्या? तो कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें नारियल के बाहरी कवच और अखरोट के बाहरी कवच इत्यादि हो सकती है। चलिए अब हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखते हैं। कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें नारियल बाहरी कवच अखरोट की बाहरी कवच इत्यादि हो सकती है। क्या हुआ उत्तर बच्चों? एक बार प्रश्न और उत्तर दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। बताओ, कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती है? तो उत्तर मैंने लिखा है, कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें नारियल के बाहरी कवच अखरोट के बाहरी कवच इत्यादि हो सकती है। इत्यादि मीन्स और सारा कुछ भी और चीजें भी हो सकती है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। लोमड़ी क्या बताया था? लोमड़ी ने तेंदुए को उस कछुए की खोल को तोड़ने का, बाहरी आवरण को तोड़ने का आसान तरीका बताया था। अब प्रश्न क्या है बच्चों? क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा
कैसे तोड़ेंगे हम लोग? सोचो, आप लोग नारियल खाए होंगे। नारियल को हम लोग अपने हाथ में लेते हैं और उसे क्या करते हैं, किसी सख्त चीजों पर क्या करते हैं, उसे जोर से पटकते हैं, जिससे क्या होता है, नारियल टूट जाता है। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। यहाँ नारियल 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 को तोड़ने के लिए किसी सख्त 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 चीजों पर जोर से पटकते हैं, जिससे नारियल टूट जाएगा, जिससे नारियल टूट जाता है। क्या हुआ उत्तर बच्चों? नारियल को तोड़ने के लिए किसी सख्त चीजों पर जोर से पटकते हैं, जिससे नारियल टूट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखे हैं, होल जैसा सख्त क्या चीजें होती हैं और उसको